नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन से। आज हम स्केचअप की एक ट्यूटोरियल देखेंगे जिसमें से एक ऐसा सवाल आता है कि जो मैं मल्टीपल कॉपीज जब भी हम स्केचअप में निकालते हैं तभी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं मल्टीपल कॉपीज करने के लिए। तो इसका हम आज एक शॉर्टकट देखेंगे। तो बेसिकली मैं एक प्रोसेस दिखाता हूँ जिसमें हम जनरली सभी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ एक सर्कल लेता हूँ से 4 इंच डायमीटर का, इसको मैं पुश पुल से ऊपर करता हूँ और ये आपको ग्रुप कर देता हूँ। इसको मैं अभी मुझे कॉपीज निकालने हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं कंट्रोल प्रेस करके स्लाइड करते हैं। और जैसे कि मुझे अभी 2 इंचेस में इसका डिस्टेंस देना है, सो 2 इंचेस अगर सॉरी 2 फीट में अगर करता हूँ, ये 2 फीट जाएगा। तो यहाँ मुझे अभी दूसरा कॉपी निकालना है, तो वापस मुझे 2 फीट ऐसे डालना पड़ता है। तो ये जो वैल्यूज़ मुझे इनपुट करने हैं और बार बार मुझे कॉपीज निकालने हैं, तो इसका एक बेहतर तरीका है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। जैसे कि मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके माउस से लेफ़्ट क्लिक से मैं ड्रैग कर रहा हूँ और कितना डिस्टेंस चाहिए, जैसे कि मुझे अभी 2 इंचेस टाइप करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड यहाँ ये आ रहा है 2 इंचेस, तो मैं 2 फीट एंटर कर दिया। अब किधर क्लिक नहीं की मतलब मैं किधर माउस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ और कुछ प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली आप आपका नम पैड में स्टार और कितने कॉपीज चाहिए, जैसे कि 5, और एंटर, तो डायरेक्टली आपको कॉपीज मिल जाएंगे। सो इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप नॉर्मल कीपैड में एक्स ये जो कीपैड है अगर तुम वो प्रेस करते हो, एक्स यानी इनटू मल्टीप्लाई बाय C8, तो ये 8 हो गए। तो ये ऑप्शन में से आप कोई दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली स्टार यूज़ करता हूँ, जो नमपैड का जो स्टार होता है डिवाइड साइन के बगल में, तो स्टार से लेट इट बी 10, तो वो 10 हो गया। तो अगर मुझे चाहिए, अगर 10 नहीं यार मुझे 5 ही चाहिए, तो वी कैन जल्दी से हम चेंज कर सकते हैं स्टार और 5, तो ये 5 हो गया। तो ये बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है मल्टीपल कॉपीज़ करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली स्टार इनटू अगर 10 करता हूँ तो मुझे इतना कॉपीज़ मिलता है, फिर स्टार 12 एंटर इतना कॉपीज़ मिलता है, फिर स्टार 10, फिर स्टार 11 करके मैं यहाँ कॉपीज़ दे सकता हूँ। अगर हो गए कॉपीज़ तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल जेड करके वापस हम नॉर्मल में लेके आ सकते हैं। सो मैं रीडू करता हूँ। सो ये तरीका है मल्टीपल कॉपीज़ करने का। सो मैं अभी वापस कंट्रोल जेड करता हूँ। और एक दूसरा तरीका है, अगर मुझे पूरे इसमें मुझे एक रेलिंग वापस चाहिए, पर मुझे भी पता नहीं कि कितने डिस्टेंस में चाहिए, पर मुझे ये पता है मुझे ये करना है कि पूरा ये जो मेरा सरफेस है ये पूरा रेलिंग से भरा हुआ दिखा चाहिए। तो मैं वापस एक कॉपी निकालता हूँ और ये कॉपी मैं डायरेक्टली रैंडमली मैं यहाँ रख देता हूँ, कोई डिस्टेंस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं डिवाइड जो साइन होती है नम पैड में डिवाइड साइन वो प्रेस करता हूँ, तो डिस्टेंस के जगह आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो वो डिवाइड साइन आ गया है। तो डिवाइड साइन डालने के बाद मैं 5 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ 5 डिवाइड कर दिया है उसने, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 पीसेस में उसको डिवाइड किया है। तो जनरली हम ये नहीं गिन रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमने 6 नहीं डाला था, हमने 5 डाला था, तो दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग दिस सर्फेस को, हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी वापस डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 10, तो ये 10 नहीं है, मुझे यहाँ का डिस्टेंस मैंने 10 किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और दूसरी चीज़ देखो, आपने वैल्यूज़ डाली तो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा यहाँ इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जितना भी डिस्टेंस है उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। मुझे ये नहीं पता कि इसमें से 2 इंचेस है या 3 इंचेस है या 3 फीट है या 2 फीट है, मुझे ये नहीं पता,
पर मुझे डायरेक्टली मुझे ये पता है कि ये पूरा जो सरफेस है मैंने उसको डिवाइड बाय जो कुछ भी मुझे अमाउंट डालना है मैंने डाल दिया और वो डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाय 20 तो उसमें 20 आ गया है, डिवाइड बाय 5 तो ओनली 5, डिवाइड बाय 3 तो वो 3 में डिवाइड कर लिया। अगर चाहिए ये आपको मैं यहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एक आज की शॉर्ट टिप स्केचअप के बारे में, और मैं इसके आगे लगातार वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा 3D Max के और स्केचअप के। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक यू।